तो चलिए कॉन्सेप्ट वीडियो टू पर चलते हैं जो कि है मैक्सवेल्स एक्सपेरिमेंट मैक्सवेल ने क्या एक्सपेरिमेंट किए जिनसे उन्होंने उनकी फेमस मैक्सवेल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिराइव की जो कि बहुत ही रेवोल्यूशनरी थी और आज भी फिजिक्स में बहुत ही स्पेशल प्लेस होल्ड करती है क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी फिनोमिना हो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हम उसको मैक्सवेल्स की इक्वेशन से प्रूव कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं इनफैक्ट यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें इनफैक्ट लाइट भी मैक्सवेल इक्वेशन से बहुत ईजिली एक्सप्लेन की जा सकती है तो चलिए देखते हैं उन्होंने ये सब कैसे किया तो इमेजिन करिए हमारे पास एक सर्किट है और इस सर्किट के अंदर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ठीक है अब अगर मैं एक मैग्नेटिक कंपास लाकर प्लेस करूं वायर के पास तो क्या होगा जैसा कि आप गैस कर सकते हैं यहां पर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगी ओके और अगर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है ये तभी होगा जब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी विदाउट मैग्नेटिक फील्ड यू कैन नॉट हैव एनी डिफ्लेक्शन इन अ मैग्नेटिक नीडल यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होना जरूरी है और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो यहां पर करंट है क्योंकि हमें पता है कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और यहां पर हमें क्लियरली दिख रहा है ये हो रहा है बिकॉज ऑफ आईसी जिसको हम कंडक्शन करंट बोलते हैं ठीक है मैं एम्पियर स्लो से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकता हूं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है ठीक है तो इमेजिन करिए एक मैं क्लोज लूप लेता हूं अराउंड दिस वायर एंड द रेडियस ऑफ द लूप इज आर तो एमपीएस इट इज दी डॉट डी एल इज टू मी नॉट इंटू आई फ्लोइंग थ्रू द लूप टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप और यहां पर कितना फ्लो हो रहा है आई सी अगर आप बी डॉट डी एल कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा बी इंटू टू पाई आर बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हैज टू बी सेम एवरीवेयर ओके और डीएल की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है इसलिए आया बी इन टू टू आर यहां से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हाँ, मी आई मी नॉट इंटू आईसीड अपॉन टू बाई आर ठीक है ये बहुत ही सिंपल चीज है हमने पहले बहुत की हुई है पिछले चैप्टर्स में अब इमेजिन करिए सेकेंड केस यहां पर मैं कंपस कैपेसिटर के अंदर रखता हूं ठीक है और जब मैंने कंपस अंदर रखा तो भी देखा कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है ठीक है अब नीडल अगर डिफ्लेक्ट हो रही है इसका मतलब एक चीज तो पक्का है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है और अगर मैग्नेटिक फील्ड है और ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर वी हैव लर्न सो फार हम यहां पर यह कह सकते हैं कि यहां पर करंट भी होना चाहिए करंट होना जरूरी है बिकॉज करंट के बिना मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी मैग्नेट तो यहां है ही नहीं ठीक है तो यहां पर हमें यह पता लगता है कि यहां पर करंट होना जरूरी है ठीक है तो चलिए अंदर हम कैपेसिटर्स के अंदर एम्पियस लॉ लगाते हैं ठीक है तो एक लूप लेते हैं क्लोज लूप और अगेन यहां पर लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इंटू आई करते हैं ठीक है अब कैपेसिटर के अंदर करंट तो कोई फ्लो हो नहीं रहा कैपेसिटर के अंदर कोई करंट नहीं है तो अगर मैं करंट की वैल्यू जीरो डालता हूं तो यहां से कंक्लूजन निकल के आता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो है ठीक है तो एम्पियस लॉ हमें कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड यहां जीरो होनी चाहिए और हमारी ऑब्जर्वेशन जो है जिसको हम कभी भी गलत नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो एक प्रूफ है वो तो हमारी ऑब्जर्वेशन है और वो ऑब्जर्वेशन ये है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए है एक्चुअली ठीक है तो इसका मतलब है या तो हमारी ऑब्जर्वेशन गलत है हमारी आंखें गलत है हमारे सेंसेस गलत है या फिर एम्पियर्स लॉ के अंदर कुछ गड़बड़ है यहां पर कुछ कमी है ठीक है तो एम्पियर्स लॉ क्योंकि एम्पियस लॉ को यूज करते हमने बहुत सारे फिनोमिनल्स पढ़े हमने बहुत सारी चीजें कैलकुलेट की तो एम्पियस लॉ तो एकदम से गलत हो नहीं सकता जरूर यहां पर कोई ना कोई कमी है ठीक है तो यहां पर जो मैक्सवेल की रीजनिंग थी जो कंक्लूजन निकला वो ये था कि यहां पर कोई करंट जरूर है और उस करंट को उन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विच सजेस्ट प्रेजेंस ऑफ करंट दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि चेंज हो रही है टाइम के साथ और वो क्यों चेंज हो रहा है क्योंकि जो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ प्लेट है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो इसका मतलब करंट है तो यहां से आया डिस्प्लेसमेंट करंट ठीक है लेट मी रिपीट अगेन मैक्सवेल का कंक्लूजन क्या था कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है उस टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड वहां पर है जैसे कि हम अपने कंपा से देख पा रहे हैं इसका मतलब है कि करंट भी जरूर होना चाहिए और उस करंट को उन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट ठीक है और ये डिस्प्लेसमेंट करंट ऐसे फ्लो कर रहा है सो टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सजेस्ट देर मस्ट बी करंट एंड दैट करंट इज डिस्प्लेसमेंट करंट तो चलिए डिस्प्लेसमेंट करंट कैलकुलेट करते हैं कि कितना होता है उसके लिए हम पहले फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे कि प्लेट्स के बीच में कितना फ्लक्स है और फ्लक्स कैलकुलेट करना बहुत आसान है इट इज ई इंटू ए ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड एक टाइम पर यूनिफॉर्म होगी और एरिया एकदम स्ट्रेट है ठीक है तो फ्लक्स यहां पर सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू ए हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है सिग्मा बाय एफ्साला नॉट ये हमें पता है वे सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया और क्यू बाय ए तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वन बाय एफ्साला नॉट टाइम्स इंटू क्यू बाय ए ठीक है और अगर मैं सारी वैल्यूज डाल देता हूं तो यहां से फ्लक्स कितना आता है क्यू बाई एपसाइलन नॉट इसको याद रखिए ठीक है और अगर मैं इस फ्लक्स को डिफ्रेंशिएट करूं इस लास्ट इक्वेशन को मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या होगा डी फाइवी इजिकल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू बाई एफ्सायलन नॉट विद रेस्पेक्ट टू टाइम ठीक है डीवाई डी टी ऑफ क्यू बाई एफ्साइलन नॉट एपसाइल नॉट यहां पर कॉन्स्टेंट है तो उसको हम बाहर ले लेते हैं ठीक है तो ये हो गया डी डी अगर मैं दोनों से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा हो गया राइट हैंड साइड में और बचेगा डी क्यू बाई डी टी तो डीक्यू डी टी इजल्स टू एफसे और dq डी टी क्या है DQ by dt डी टी इज कंडक्शन करेंट भाई ये करंट ही है जो ये चार्ज दे रहा है प्लेट्स को ठीक है और जो भी हमने अभी एक्चुअली कैलकुलेट किया यही तो डिस्प्लेसमेंट करंट है ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या आई एपसाइल नॉट टाइम्स इनटू डी फाइव बाय डी टी ये जरूर याद रखना ठीक है और ये भी याद रखना कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर होते हैं ठीक है तो जो टोटल करंट होगा सर्किट में किसी भी टाइम दैट इज इक्वल्स टू कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट ठीक है टोटल करंट क्या होगा कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट अब देखिए बाहर डिस्प्लेसमेंट करंट होता है जीरो और कैपेसिटर के अंदर कंडक्शन करंट जीरो होता है बट डिस्प्लेसमेंट करंट होता है आईडी जो कि आईसी के बराबर है ओके तो मैक्सवेल ने एम्पियस लॉ को कैसे मॉडिफाई किया उन्होंने बोला कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज नॉट इक्वल्स टू म्यूनॉट इंटू आई सी बट इट इज इक्वल्स टू म्यूनॉट इंटू आई सी प्लस आईडी ठीक है लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यूनोट इंटू द सम ऑफ आई सी एंड आई डी ओके और यही था वो मोडिफिकेशन और आई डी की वैल्यू हमें पता है इट इज एफ नॉट टाइम्स डी फाइव बाई डी टी तो हम वो वैल्यूज भी यहां डाल सकते हैं तो दिस इज द इक्वेशन लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यूनोट इंटू आई सी प्लस म्यूनॉट इंटू एफ नॉट इंटू डी फाइ बाई डी टी यहां पर आई सी क्या है कंडक्शन आईडी क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट ओके और डिस्प्लेसमेंट करंट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज द करंट फ्लोइंग बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स विदाउट द मोशन ऑफ द चार्जेस ठीक है देखिए यहां पर सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है ठीक है लेकिन कैपेसिटर के अंदर तो एक्चुअली कुछ मोशन हो नहीं रहा बट स्टिल हम तो बोलेंगे ना करंट फ्लो कर रहा है ठीक है तो ये जो करंट है जिसके अंदर चार्जेस एक्चुअली में मूव नहीं कर रहे उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट ओके एंड इट इज ड्यू टू ये क्यों निकलता है पर के साथ चेंज हो रही है ठीक है और की वैल्यू क्या है, ठीक है? अब फ्लक्स क्या होता है फ्लक्स इज ए और ए यहां पर कॉन्स्टेंट है प्लेट्स का ठीक है तो यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल्स टू एफ्सैल नॉट टाइम्स डी बाई डी टी इन ए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इसको प्लीज याद कर लीजिए और लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल्स टू एपसाइल नॉट टाइम्स डी ई बाई डी टी इन एरिया ऑफ द प्लेट्स ओके